हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स के बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है। तो जितने भी आपके डाउट्स अभी तक मेरे पास आए हैं उनको इस वीडियो में मैं पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और कल जो है मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा जिसमें आप मेरे से अपने डाउट्स यूट्यूब पर पूछ पाएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो लाइव सेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं सुबह के टाइम पे रखूंगा 10-11 बजे के आसपास। तो उस टाइम आप लोग एक्टिव रहना, एंड आपके अगर एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से उस टाइम पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास जो है मैं आऊंगा लाइव, उसमें आप जो है अपने डाउट्स पूछ लेना। तो अभी देखो, सबसे पहले मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म एम्स के क्या आ चुके हैं। तो हाँ भाई, एम्स के जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। तो ये डाउट अपने मन में बिल्कुल भी मत रखो कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना कैसे है? देखो, रजिस्ट्रेशन आपको दो पार्ट्स में करना होता है या तीन पार्ट्स में करना होता है, ठीक है। पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद एक आरयूसी कोड जनरेट करना होता है, और उसके बाद एक फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तीनों को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो सारा मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, और उन वीडियोस के लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। उन वीडियोस को पूरा अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, और मोबाइल से ही आप अपना पूरा प्रोसेस कर लोगे, साइबर कैफे भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो कितनी रहेगी। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज है, ठीक है, अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के लिए करते हो, और आप दोनों कोर्सेज के लिए भी कर सकते हो, तो आपको फीस डबल लगेगी, ठीक है। तो ये तो लाइक जनरल सी बात है, लॉजिकल है, तो डबल फीस लगेगी। और ईडब्ल्यू से अगर आप हो तो आपको 1600 रुपीज पे करने पड़ेंगे, एंड एससी एसटी से अगर आप हो तो आई थिंक 1500 रुपीज फीस है उसकी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात हो गई। तो एक चीज और डाउट है, मतलब क्लियर तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर आपने पहले कभी भी एम्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन बेसिक वाला नहीं करना है। सीधे आपको क्या करना है, आरयूसी कोड अपना जनरेट करना है, और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो लोग अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन पहली बार इस साल कर रहे हैं, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना होता है। कैसे सारी चीजें करनी है वो सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बताई है, जाकर कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर लेना। एंड जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 1 से 2 दिन जो है वेट करना पड़ता है ताकि आपकी इमेजेस जो है वो वेरीफाई हो पाए। एंड वेरीफाई होने के बाद जब आप दोबारा से लॉग इन करोगे 1 से 2 दिन के बाद, तो आपके डैशबोर्ड पर लिखकर आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। जैसे ही ये लिखकर आ जाएगा, आप जो है अपना आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो, और उसके बाद तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहां पर एक बात और सुन लो, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह की नीड नहीं है। अगर मान लो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना, तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, जिस कैटेगरी से चाहो उस कैटेगरी से, क्योंकि यहां पे ना तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालने की जरूरत है, अगर डालना भी है तो वो ऑप्शनल है, आप उसको स्किप कर सकते हो, और ना ही आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक हमारा नहीं बना, तो भाई आप बनाना भी नहीं, अभी अप्रैल में बनाना, ठीक है, वो मैं आपको रीजन बता चुका हूं ऑलरेडी जिसने पहले वीडियोस देखे हैं। तो अप्रैल में आप सभी लोग बनाना। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी मत रखो कि मतलब हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए क्या होगा, बस अपना फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन में चाहिए, और फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, बस वो भी अपलोड नहीं करनी, 12th की मार्कशीट में से आपको रोल नंबर देखकर डालना है, और मार्क्स वहां पर जो एंटर करने हैं ना, टोटल मार्क्स वो आपको 400 करने हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आपको मार्क्स एंटर करने को बोला है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो 4 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 400 हो गए, और 400 में से आपके जितने आएंगे आप उतने एंटर कर दोगे। तो ये पूरी बात हो गई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड, बाकी वीडियो सबके ऊपर मैंने अपलोड करी है। एग्जाम सेंटर आपको अगर पता करना है कि एग्जाम सेंटर बीएससी नर्सिंग के लिए पूरे इंडिया में कहां कहां पर है, और बीएससी पैरामेडिकल के लिए कहां कहां पर है, तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में देख लोगे, लिंक मिल जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन देखो खुद से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर किसी को लगता है किसी को प्रॉब्लम कुछ आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी का जो लिंक है वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, ठीक है। और अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो मेरे से, ठीक है, तो वो लाइक एक हेल्प है। तो लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से ही फॉर्म फिल करवाओ, आप मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप खुद से करो, और मैंने सारी वीडियोज आपके लिए डाली भी है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप उनको अच्छे से देख लोगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद भी भर पाओगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को किसी की हेल्प चाहिए, तो वो चार्जेबल बेसिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म मेरे से भी फिल करवा सकते हो। एंड अगर आप लाइक स्टार्टिंग से पूरा फॉर्म फिल करवाते हो एम्स का बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो उसका जो चार्ज है वो 99 रुपीज है।